हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल्स ले रखे हैं, टोटल आइटम्स, प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का आइटम नंबर क्या है, कितना प्राइस है और नंबर ऑफ क्वान्टिटी टोटल कितनी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा हमने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है और इस साइड हमें वी लुकअप फंक्शन की हेल्प से पता लगाना है कि अगर हम यहाँ पे कोई आइटम नंबर डालेंगे तो उस आइटम नंबर का प्राइस क्या है और नंबर ऑफ क्वांटिटी वो कितनी है, हम यहाँ पे पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे पता करना है। यहाँ पे सबसे पहले आइटम नंबर में मैं यहाँ पर जैसे वॉलेट का आइटम नंबर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया कंट्रोल सी और आइटम नंबर में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आइटम नंबर में पेस्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पता लगाना है कि इसका प्राइस क्या है और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी अभी हमारे पास कितना ये बचा है, ये देखना है। तो कैसे देखेंगे, तो प्राइस में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैं इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, अब ये डालने के बाद आपको लुकअप वैल्यू, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। जैसे आपको लुकअप वैल्यू डालनी है, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और इसका रेंज लुकअप। अब यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है, आप इसे कहाँ से फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरे को यहाँ से पता लगे कि आइटम नंबर, ठीक है, तो आइटम नंबर में जो भी वैल्यू आएगी उसको फाइंड करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको लुकअप वैल्यू बता दिया। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ कोमा, कोमा लगाने के बाद पूछ रहा है टेबल एरे कहाँ पे ये फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, मैं ये सब बताता हूँ, मेरे को ये पूरा के पूरे टेबल में फाइंड करना है। मैंने इसको पूरा टेबल बता दिया, इस पूरी टेबल में फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करने के बाद अभी आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आप कौन सा यूज़ करोगे, यानी कहाँ का डेटा शो करना चाहता है। मैंने इसको बताया कि मैं इस आइटम में, यानी F3 वाले में, इस पूरी टेबल से डेटा जानना चाहता हूँ। अब ये बोल बता रहे कॉलम इंडेक्स, यानी कौन सा डेटा आप यहाँ पे शो कराना चाहते हो प्राइस वाले उसमें। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसका प्राइस जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्राइस वाले सेक्शन की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब प्राइस वाले सेक्शन का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो क्या है, A, B, C। ठीक है, अब इसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 3, तो मैं यहाँ पे जो हूँ 3 को एंटर कर दूँगा। 3 एंटर करने के बाद अब ये आपसे पूछेगा आपको डेटा अप्रोक्सीमेट चाहिए या एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे फॉल्स डेटा चाहिए जिसमें एग्जैक्टली वैल्यू मैच हो, यानी मेरे को पता हो कि एक्यूरेट डेटा क्या है। तो यहाँ पर मैंने फॉल्स एग्जैक्ट मैच पर एंटर किया। अब इसने मेरे को बता दिया इस आइटम नंबर का जो प्राइस है वो 250 है। तो वॉलेट का जो प्राइस है वो देखिए यहाँ पे 250 है। अब नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मेरे को पता लगाना है क्वांटिटी वाले कॉलम के अंदर, तो उसके लिए फिर दोबारा से हम इस फॉर्मूले को एंटर करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पर जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो फाइंड करें। ठीक है, अब बता रहे टेबल एरे कहाँ से फाइंड करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ इस पूरी टेबल से फाइंड हो डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी का मेरे को बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, A, B, C, D यानी 4 नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया हमारा 4। अब आपने लगाया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसका डेटा अप्रोक्सीमेट चाहते हो, यानी लगभग चाहते हो, इतना मिलता जुलता डेटा शो कराना चाहते हो या एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हो। मैं बोलता हूँ उसको एग्जैक्ट मैच कराना है मेरे को, तो मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे इसने आंसर दे दिया मेरे को 80, 250, ये जो हमारा वॉलेट था इसका प्राइस 250 है और नंबर ऑफ क्वान्टिटी हमारे पास 80 है। ठीक है, इसने बता दिया। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, ये 32 GB की एक पेन ड्राइव है, इसका देखना चाहता हूँ कि वाकई में ये फंक्शन जो हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया है वाकई में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। वर्क कर रहा है, लेकिन एक बार हम यहाँ पे आइटम नंबर कॉपी करते हैं। आइटम नंबर हमने कॉपी कर लिया, अब मेरे को पता लगाना है क्या है। मैं सिंपली
इसको ऑटो फिल कर देता हूँ। 750 प्राइस है इसका पेन ड्राइव का, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 180, तो इसको भी चेक कर लेते हैं सही बता रहा है गलत बता रहा है। इसको भी मैं ऑटो फिल कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 180 बता दिया है इसने। तो इस तरीके से आप वी लुकअप फंक्शन का जो है यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फंक्शन है फ्रेंड्स, इसको यूज़ कीजिए आप सब अपने टेबल के अंदर। और मेरे को बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।